नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत को लेकर अमेरिका और फ्रांस एक बार फिर एक दूसरे से भिड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की विदेश नीति और व्यापार नीति के बारे में तो आप सभी जानते हैं। उसने अपने 200 साल पुराने मित्र फ्रांस को तक नहीं छोड़ा है और वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत को लेकर फ्रांस और अमेरिका एक दूसरे से अब फिर से भिड़ सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारतीय वायुसेना को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए और चीन और पाकिस्तान की दोनों फ्रंट पर भारत के द्वारा दोनों को एक साथ टक्कर देने के लिए भारत के लिए 114 फाइटर जेटों की आवश्यकता है और इसको भारत सरकार ने MMRCA के दूसरे टेंडर के रूप में रखा है, जिसमें फ्रांस का राफेल प्रबल दावेदार के रूप में है। परंतु दोस्तों, अमेरिका फिर चाहता है कि अरबों डॉलर की डील अमेरिका के पक्ष में चली जाए और इसके लिए अमेरिका ने एक अनोखी चाल भी चल दी है। दरअसल MMRCA के दूसरे टेंडर में अमेरिका ने अपने F-15EX फाइटर जेट को राफेल के प्रबल दावेदार के रूप में रखा है और अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से F-15EX फाइटर जेट को खरीदे और इसके लिए अमेरिका ने जो F-15EX का एरोडायनामिक शेप है वो भारत की एक कंपनी के साथ साझा करके भारत में ही बनाना स्टार्ट कर दिया है और इसके ऊपर समझौता ऑलरेडी हो चुका है और लगभग 2022 से F-15EX का एरोडायनामिक शेप भारत में बनना स्टार्ट भी हो जाएगा। इससे फ्रांस के राफेल को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि फ्रांस को भारत में राफेल का सारा सामान लाने में और फिर उसको बनाने में, इसके अलावा समझौता करने में कम से कम 3 साल लग सकते हैं और इतने में F-15EX की डील भारत के साथ अमेरिका की डन हो के और भारत को F-15EX प्रोवाइड करना अमेरिका स्टार्ट तक कर देगा। तो अमेरिका ने बहुत ही सोच समझ के यह चाल चली है ताकि भारत के MMRCA के दूसरे टेंडर की जो डील है वो अमेरिका के पक्ष में चली जाए और अमेरिका को अरबों डॉलर का भारत के साथ व्यापार मिल जाए। खैर, इन सब को छोड़कर भारत अपने ऊपर आत्मनिर्भर भारत के तहत तेजस और अपने अमका जैसे फाइटर जेटों को बनाने पर जोर दे रहा है, ताकि भारत को विदेशी फाइटर जेटों पर कम से कम निर्भर रहना पड़े। और भारत चाहता है कि भारत जो 114 एयरक्राफ्ट लेगा उनमें से 60-80% तक भारतीय एयरक्राफ्ट ही भारत खरीदे। तो बाकी आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय